हेलो एंड वेलकम गाइस कैसे हैं आप सभी जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा एनजाइटी में एंड द ओनली क्वेश्चन विच आई हैव बीन रिसीविंग ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और एनी इज़ कि सर क्या इन पाँच महीनों में क्लाइट का एग्जामिनेशन निकाल पाना इज़ पॉसिबल सो लेट मी टेल यू क्लियरली दैट येस इट इज़ पॉसिबल बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी वेन आई से दैट आई I मीन mean कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड एट द सेम टाइम आपको जो है मॉक्स समय समय पर लगाने पड़ेंगे आज जो मैं यहाँ पर आया हूँ उसका मेजर उद्देश्य यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मॉक्स की क्या महत्वता होती है हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एंड एट द सेम टाइम कि आपके लिए अन एक अपर्चुनिटी लेकर आया है जहाँ पर आप एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट सीरीज़ को वी डिस्काउंट में पा सकते हैं केवल और केवल इस वीक के लिए बट बिफोर मूविंग अ हेड लेटमी जस्ट टेल यू वाई आर मॉक्स इंपॉर्टेंट अगर हम मॉक्स की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्क्स मदद करते हैं आपको एनालाइज करने में कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि आखिर जो पांच फ्रंट्स पर आपको टेस्ट किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल लीगल रीजनिंग फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करंट अफेयर्स लॉजिकल रीजनिंग तो आखिर इन सभी सेगमेंट्स पे जिन जिन पर आपको टेस्ट किया जा रहा है इसमें आखिर किस प्रकार के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और उनको पढ़ने में आपको कितना समय लगाना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती इसीलिए मॉक टेस्ट जो है वो आपको मदद करते हैं एग्जाम लाइक रियल फीलिंग लेने के लिए ये आपको मदद करेंगे कि आप जैसा कि एग्जामिनेशन में यानी कि क्लैट टू ट्वेंटी फोर में जो आपको पेपर आने वाला है सिमिलरली आपको पैटर्न जो है वो यहां पर देखने को मिलता है इसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट आपको मदद करता है, ये एनालाइज करने में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी वीकनेस क्या है एट टाइम जैसा होता है कि आपको ऐसा जरूर लगेगा कि शायद आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन बन जाएंगे या फिर आपको जो है क्वॉट वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाले दिन बन 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 जाएंगे बट अनटिल एन अनलेस आपने उनको पहले प्रैक्टिस कर रखा हो एंड क्या सचमुच मुझे, मुझे वो बन जाएंगे ये आपको क्लियरली जो है आउटलुक नहीं मिलेगा तो क्लियर आउटलुक लेने के लिए वॉट कैन बी डन इज़ कि आप मॉकटेस दीजिए बिकॉज मॉकटेस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड एट द सेम टाइम आपकी वीकनेसेस क्या है सो so दैट जब आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया उस के बाद आप उनपे वर्क कर सकते हैं आप अपने पूरे के पूरे स्टडी का जो रूटीन है उसको उस हिसाब से बनाएं स्टडी प्लान को उस हिसाब से बनाएं कि आप इन चीजों को भी जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटाइज जो है वो यहां पर करें इसके अलावा जब हम मॉक्स की बात करते हैं ये आपकी बहुत मदद करते हैं टाइम मैनेजमेंट में येस टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने अपना पूरा टाइम जो है वो लगा दिया एंड बाकी के सेगमेंट्स जो है वो छूट गए अगर ऐसा होता है तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा और आपकी एन की जाने वाली जो ट्रेन है वो भी ट्रस्ट में छूट जाएगी वाई एम आई सेंग दैट क्योंकि ये एग्जामिनेशन इज़ नॉट अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट बट रादर दे हैव टोल्ड यू दैट दीज आर दी फाइव फ्रेंड्स जिसपे हम आपको टेस्ट करने वाले हैं नाउ इट इज़ अप टू यू कि क्या आप इन फाइव फ्रेंड्स पे खड़े उतर पाते हैं या नहीं सो द होल आइडिया ऑफ द एग्जाम इज नॉट वॉट यू लाइक बट रादर वॉट इज़ बींग आस्ट सो इस चीज़ को जानने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक है ताकि आप ऐसा ना हो जो चीज़ आपको पसंद है आप सिर्फ उसको ही सॉल्व करते रह जाएं और बाकी सब्जेक्ट मैटर को आप पीछे छोड़ दें ओवरऑल देखा जाए तो जो मॉक्स है वो आपकी मदद करते हैं एक आपके मन में जो एनजाइटी होती है एग्जाम डे की उसको कम करने के लिए क्योंकि अगर आपने पूरे ड्यूरेशन के दौरान इस पाँच महीने के अगर आपने ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी मॉक्स जो है वो लगा रखें देन ट्रस्ट मी देन ट्रस्ट मी वॉट विल हैपन इज कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन वुड बी येट अनदर काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट फॉर यू यानी आपके एग्जाम डे uh, वाली जो एनजाइटी है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगी तो इन्हीं सभी चीज़ों को कैटर करने के लिए अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक डेडिकेटेड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जी हाँ ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होगी दिस विल बी स्पेसिफिकली फॉर क्लैट एंड एलिट जिसमें थर्टी आपके मॉक टेस्ट जो होंगे वो क्लैट स्पेसिफिक होंगे एंड फाइव मॉक टेस्ट जो होंगे वो एलिट स्पेसिफिक होंगे माइंड यू ये आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से होगी ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी कहने का तात्पर्य देर देर विल नॉट बी जस्ट रैंडम पैराग्राफ्स फ्रॉम एनी वेयर बट रादर देर विल बी क्यूरेटेड पैराग्राफ्स जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं राइट right? नाउ वट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इस समय अन अकेडमी बहुत हैवी डिस्काउंट जो है रन कर रही है एंड अपना ये जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सीरीज का कोर्स है ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड में मिल रहा है बट हाउ टू अवेल दैट उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है आपको जल्द से जल्द जाना है और अन अकेडमी के पोर्टल पर आना है उसके लिए वॉट यू नीड टू डू इज गूगल पे जाइए और अन अकेडमी क्लैट जो है उसको टाइप करिए जैसे ही आपने अनअकेडमी क्लैट टाइप किया गूगल पे आपको इस प्रकार से दो लिंक देखने को मिलेंगे पहले वाले लिंक को आप अवॉइड करिए और सेकेंड वाले लिंक पर आइए जैसे ही आप सेकेंड लिंक पर आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टैब्स जो है वो दिख रहे होंगे जैसे कि गेट स्टार्टेड एजुकेटर्स बैच स्टोर एट्सेट्रा वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको जाना है अन अकेडमी के ये जो नया पोर्टल अभी अभी शुरू हुआ है दैट इज द स्टोर पोर्टल जैसे ही आप स्टोर पे जाओगे इस टैप को क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका और हमारा लीगल रीजनिंग का जो बैच है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है अगर अभी तक आपने ये परचेज नहीं किया देन आई एम लिटरली टेलिंग यू यू आर मिसिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप लीगल रीजनिंग के मास्टर बन सकते हैं खैर इसके अलावा आप राइट साइड देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज ये जो आपकी ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज़ है आप देख सकते हो ये थर्टी फाइव मॉक्स जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो देख सकते हैं जैसे ही आप सी शेड्यूल पे क्लिक करोगे आपको सारा जो भी मॉक्स जो हैं लाइव हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इसी के साथ साथ आपको यहाँ प्राइस दिख रहा होगा वैसे तो प्राइस जो है फाइव है बट एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर दिस वीक ये प्राइस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड कर दिया गया है दैट इज थर्टी सेवन हंड्रेड ओनली दैट इज थ्री सेवन डबल नाइन टू बी प्रिसाइज हावएर हावेवर सिंस वी बिलोंग टू बार आर्मी दैट इज बींग्राई आर्मी तो हमको और डिस्काउंट तो लगेगा ना सर तो क्या करना है बी ए आर फाइव बी ए आर फाइव दैट इज द कोड फॉर आर बार आर्मी इसको आपने क्लिक करना है जैसे ही आप इसको टाइप करके यहाँ पर अप्लाई नाव पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि ओवर एंड अबव जो आपका थ्री सेवन डबल नाइन का डिस्काउंट है उसके ऊपर आपको और एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बार फाइव लगाने की मदद से मिलेगा तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे कोर्स का प्राइस जो है वो आपके लिए हो जाएगा थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज ओनली सो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड किस किस तरह से आप इनको अवेल कर सकते हो अभी जाकर ताकि आप डिले ना करें एंड अपनी तैयारी को एक और अच्छी उड़ान दें बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग मॉक्स ट्रस्ट मी यू आर डूइंग अ ग्रेट ब्लंडर सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स जो है वो आप ज़रूर दे रहे हैं एंड इस समय डिस्काउंट चल रहा है सो काइंडली अवेल दैट ताकि बाद में आप मुझसे ना बोलें कि सर हमने तो लिया था फाइव में और बाकी बच्चों को मिला है थर्टी में तो ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी है बिकॉज यू नीड टू नो दैट समय समय पर डिस्काउंट्स आते हैं इट इज़ अप टू यू कि आप उन डिस्काउंट्स को किस प्रकार से जो है अवेल कर पाते हैं विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ माई नेम इज़ आदित्य राय थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैलेबल टाइम कीप स्टडिंग कीप ग्रिलिंग जय हिंद जय भारत